हेलो एवरीवन, आई एम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने 3D एरे, एड्रेस कैलकुलेशन, कॉलम मेजर ऑर्डर में किया था और एक फार्मूला डिराइव किया था। आज उसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक एरे गिवन है -2 से 10, -1 से 15 और -3 से 12। यहाँ पे बी की वैल्यू गिवन है 4। इसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट को स्टोरेज के लिए जो नंबर ऑफ बाइट्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज 4। और आपको एड्रेस फाइंड करना है A7610 का। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि हर एक डायमेंशन की साइज क्या है, डायमेंशन 1, डायमेंशन 2 और डायमेंशन 3 की साइज क्या है। और आपको ये भी बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस एरे में। तो इसको बैकवर्ड सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि डायमेंशंस क्या है हर एक डायमेंशन की, लेंथ क्या है हर एक डायमेंशन की। आपको पता है कि अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1 इज द फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसलिए जो पहला डायमेंशन है उसकी लेंथ होगी u1 माइनस l1 +1। सो u1 इज 10, माइनस -2 लोअर बाउंड इज -2 एंड +1 इसका मतलब है 13 इज द साइज ऑफ द डायमेंशन 1। d2 फाइंड करते हैं डायमेंशन नंबर 2, दिस विल बी इक्वल्स टू u2 माइनस l2 +1। सो दिस इज इक्वल्स टू 15 माइनस -1 +1, इट मीन्स दिस इज 17। देन डायमेंशन 3, दिस इज इक्वल्स टू u3 माइनस l3 +1। सो दिस इज इक्वल्स टू 12 माइनस -3 +1। सो दिस इज इक्वल्स टू 16। तो ये हमने फाइंड कर लिया है कि डायमेंशन 1 इज 13, डायमेंशन 2 इज 17 एंड डायमेंशन 3 इज 16। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी इक्वल्स टू 13 इंटू 17 इंटू 16। आप कैलकुलेटर से इसका आंसर फाइंड कर लीजिएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे A7, 6 और 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरा फार्मूला है, ये फार्मूला मेरा है 3D array, कॉलम मेजर ऑर्डर का जो फार्मूला है, इसमें u1 माइनस l1 +1, u2 माइनस l2 +1 मुझे ये बता रहा है कि ये d1 और d2 है। तो मैं इसी के हिसाब से फार्मूला रीराइट कर लेता हूँ। सो द फार्मूला इज अल्फा प्लस k माइनस l3 मल्टीप्लाइड विथ डायमेंशन 1 इंटू डायमेंशन 2 प्लस j माइनस l2 इंटू डायमेंशन 1 और प्लस i माइनस l1 एंड होल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ बाइट ऑफ स्टोरेज पर एलिमेंट। सो यहाँ पे हमें अल्फा लेट से गिवन है 1000, जो फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है वो लेट से 1000 है। बाकी वैल्यूज हम फार्मूला में पुट कर देते हैं। सो k हियर इज 10, दिस इज रिप्रेजेंटिंग k। सो 10 माइनस लोअर बाउंड फॉर द थर्ड डायमेंशन इज -3, दिस मल्टीप्लाइड विद डायमेंशन 1 इंटू डायमेंशन 2 मतलब कि 13 इंटू 17 और प्लस j इज द सेकेंड डायमेंशन 6। तो 6 माइनस द लोअर बाउंड ऑफ द सेकेंड डायमेंशन इज -1 मल्टीप्लाइड विद d1 डायमेंशन 1, सो दैट इज 13 एंड देन प्लस i मीन्स दिस 7, 7 माइनस -2 because the lower bound for the first dimension is -2 and this quantity multiplied with 4 the number of bytes for the storage, number of bytes of the storage per element. Simplify kar lete hain isko. So this is 13 into 13 into 17 plus 7 into 13 plus 9, this is 9 and this multiplied with 4. So let's use the calculator to solve this. So the values here जो हमें calculate करनी है, सबसे पहले 13 multiplied with 13 and multiplied with 17. So this answer is 2873. And then 13 7 is 91 and plus 9. So
this value comes out to 2873 plus 91 plus 9. So this is equals to 2973 multiplied with 4 is 11892 and then plus 1000. So 12,892, this is the address of the given element. Similarly, यहाँ हमने computations करके नहीं दिखाया था number of elements, आइए इसको भी हम कर लेते हैं. So this is 13 into 17 into 16. So the number of elements in this array will be 3536. So this way we have solved the problem related to the 3D array address calculation when the elements are stored in the column measure order form. Thanks for watching this video.